गौरव भाटिया जी, देखिए गिरफ्तारियां ये सब होंगी, लेकिन एक बहुत जरूरी चीज की आवश्यकता ये भी है, क्योंकि इसका जवाब कहीं से नहीं आ रहा है, ये आरोप उठ रहे हैं केवल कि भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता क्या वाकई इसमें इन्वॉल्व था, कि जो कॉन्ट्रैक्टर जो कि जिसको ब्रिज जो पुल मेंटेनेंस का कोई अनुभव ही नहीं था, जो कि दूसरी चीजों के निर्माण में उत्पादन में जिसकी कंपनी रही थी हमेशा से, उसको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। ये चीजें तो आप लोगों को भी संजीदगी से देखनी होगी ना, केवल राजनीतिक आरोप बनाकर इसको नहीं छोड़ा जा सकता है। क्यों ऐसी कंपनी को दे दिया गया था कॉन्ट्रैक्ट आखिर? श्वेता जी, आपकी बात से मैं पूर्णतः सहमत हूं, और फैक्ट फाइंडिंग कमिटी और साथ साथ क्रिमिनल लॉ में पुलिस विवेचना का कार्य कर रही है। 24 घंटे भी नहीं बीते हैं और 9 गिरफ्तारी हो जाती हैं, FIR 2 घंटे से कम समय में हो जाती है। रेस्क्यू ऑपरेशन में प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी खुद मॉनिटर करते हैं, मुख्यमंत्री घटनास्थल पर चले जाते हैं, गृह मंत्री राज्य है वो भी घटनास्थल पर जाते हैं। क्यों यहाँ पे अटकलों का बाजार गर्म है? क्यों जब भारतीय जनता पार्टी और सरकार मरहम लगा रही है जख्मों पर, कोई नमक की बोरियां लेके आके जख्मों पे नमक डाल रहे हैं? अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है श्वेता जी, आज गुजरात और देश की जनता देख रही है कि दोगलापन क्या होता है। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, आपके चैनल पे कहा गया छोटे कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से कहता हूं, जो सूत्र बता रहे हैं कि 2 लोगों की गिरफ्तारी ऐसी भी हुई है जो मैनेजीरियल पोजीशन पे है। क्या मैनेजीरियल पोजीशन पे जो व्यक्ति है वो छोटा कर्मचारी है? क्यों झूठ का व्यापार किया जा रहा है? दूसरी बात, कह कौन रहे हैं? अरे 84 के नरसंहार वाले हुआ तो हुआ, 30 साल इंसाफ नहीं दिला पाए, ऊपर बैठे हैं पापी आपके प्रवक्ता भ्रष्टाचारी, क्योंकि आप याद करिए 2 साल तक कन्हैया कुमार की फाइल नहीं क्लियर कर पाए थे। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का है सरकारी अधिकारी, इनको जानकारी थी कि 23 तारीख से प्रकाशित हो रहा था। चर्चा बहुत गंभीर है, आपका परिपक्व प्रवक्ताओं को बुलाया। पश्चिम बंगाल के चुनाव में जब पुल टूट रहा था तो प्रधानमंत्री जी कह रहे थे ठीक है, अबे दुबे जी, श्वेता जी आप नहीं चुप कराएंगे? गौरव भाटिया जी, इस चीज को जोड़कर चलिए, कलकत्ता में जो ब्रिज कोलैप्स किया था उस पर तो उठाया ही था ना आप लोगों ने भी सवाल, तो अगर चीजें ऐसी होती है तो वो सवाल उठेंगे, और जब सवाल उठते हैं उस समय भ्रष्टाचार की बात उठी थी, तो अभी आपको जवाब देने में वो राजनीति क्यों लगता है? मैं आपको बताता हूं, देखिए पहली बात तो आपने उदाहरण दिया कलकत्ता में जब ब्रिज गिरा था, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था क्या जब सवाल उठे थे? आप बताइए श्वेता जी, नंबर 1 चैनल है देश का आपका, अभी मैंने दोबारा पुनः कहा कि रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। एक तरफ राहुल गांधी कहते हैं राजनीति नहीं करेंगे, और खड़गे जी उनके प्रवक्ता और सारे आगे राजनीति करते हैं। क्या ये प्रधानमंत्री जी फिर बोल रहे? अरे आप जवाब दीजिए ना, ऐसे मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ। समाचार पत्रों में ये बात चुप कराइए, मैं जवाब दूंगा, वरना ये चिल्लाते रहे। 26 तारीख से पुल खोल दिया जाएगा, तब क्या जिले के कलेक्टर अखबार नहीं पढ़ते? वहाँ पर चैनल नहीं देखे जाते? पूछिए पूरे मोरबी जिले में बात प्रकाशित हो रही थी कि अगले 3 दिन बाद जो पुल खोल दिया जाएगा। अरे वो कॉम्पिटेंट अधिकारी की संलिप्तता से वो चुनाव में सत्ता की धूप मिटाना चाहते थे। गुजरात के वेरी सॉरी टू से, ये तरीका बहुत गलत है। क्या वर्सेस है इसमें? क्या वर्सेस है? किया जाएगा एक तरफ मरहम, दूसरी तरफ जो है नमक, ये वर्सेस है। आज यहाँ पे नमक बैठा है, सबको पे डाला जा रहा है। दुबे के लहजे को आप लहजे पर भले आप सवाल उठा सकते हैं, लेकिन जो सवाल वो उठा रहे हैं ना गौरव भाटिया, कि सबको पता था कि वो पुल खुल रहा है, सबको ये भी पता था कि पुल खुलने का वक्त हुआ नहीं है अभी, लेकिन उसके बावजूद अगर तैयारियां नहीं थी तो जो पुलिस वहां पर अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, जिम्मेदारी की तो एक उंगली उन पर भी उठ जाती है। मालूम तो सबको होना चाहिए था, आंखें क्यों मूंद रहे थे सब? और केवल चुनाव का समय होने के कारण राजनीति कहकर इसको नहीं दरकिनार किया जा सकता है? 134 लोगों की जान का सवाल है, और घायल न जाने अभी कितने अस्पतालों में भर्ती हैं। ठीक श्वेता जी, जब आप सवाल पूछें या जो विपक्षी दल के नेता सवाल पूछें, तो इतनी मर्यादा आज के दिन कम से कम होनी चाहिए कि पूरा उत्तर सुने उसके बाद अपनी बात रखें, और वो सम्मानजनक है। ये नहीं कि जब प्रवक्ता कुछ बता रहा है, जानकारी दे रहा है, दर्शक भी सुनना चाहते हैं, तो बीच में चिल्लाने लगो।
अभी मैं पूछूं कि प्रियंका वाड्रा गांधी आज रैली कर रही हैं हिमाचल प्रदेश में, तो कोई संवेदना नहीं है क्या? आप कोई संवेदना नहीं है? आप जवाब जवाब दे दीजिए, आरोप लगाएंगे तो वो वापस बोलेंगे, आप जवाब दे दीजिए पहले इस बात का। नहीं, गलत मैं दूंगा, लेकिन मैं चिल्लाना नहीं चाहता हूँ। जो दर्द आज है गुजरात की जनता के दिल में, हम चाहते हैं हम उसको कम करें, हम मरहम लगाएं, यहाँ चिल्लाने हम नहीं आए हैं। और श्वेता जी, अब मैं आपकी बात का उत्तर देता हूं और उम्मीद करूंगा बीच में कोई नहीं बोलेगा। श्वेता जी, पुलिस ही तो ये जांच करेगी ना कि फिटनेस सर्टिफिकेट लेना अगर आवश्यक था तो क्यों नहीं लिया गया? क्या ये पुलिस जांच नहीं करेगी कि उस पुल में अगर क्षमता 100 लोगों की थी तो और लोग कैसे चले गए? क्या ये पुलिस जांच नहीं करेगी कि मरम्मत जो हुई वो पूरी तरह से हुई या नहीं हुई, या पुल इसलिए गिरा क्योंकि लोग ज्यादा चढ़ गए? और अगर लोग ज्यादा चढ़ गए तो उसके रोकने का काम जिस कंपनी का था उस पर कार्रवाई होगी। अब आप मुझे बताइए, 24 घंटे के अंदर मैं टीवी चैनल पे बैठ के यहां पे सर्टिफिकेट दूं कि कौन ईमानदार है और कौन दोषी है? ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन एक बात जरूर कह सकता हूं कि कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। और कम से कम ये बात सुनिश्चित हो जाएगी कि कम समय में इंसाफ मिले। और जैसा मैंने कहा, धारा 304 308 ये जो आईपीसी की लगी है, इसमें आजीवन कारावास की सजा है। इससे आप देख सकती हैं कि सरकार कितनी गंभीर है और किस तरह से जो दोषी है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अभी भी हुई है और आगे भी।